Good morning, everyone. Last class, I gave you introduction of GST. What was the earlier indirect tax regime and what is the current reform that has taken place in the indirect tax structure? That is GST. And basically, we made a comparison between the existing indirect tax that was, there was multiple taxes levied in multiple forms. Now it's goods and services tax. Earlier services and goods was not integrated, amount paid to सेंट्रल गवर्नमेंट राइट उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता था तो समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट बट अभी क्या सिंगल ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है तो कुछ कुछ केस में से यू फाइंड दैट कि जो पहले खाली सेल्स टैक्स जिस पे लगता था उस पर अब सेंट्रल भी लगा रहा है एंड सर्विसेज पे जहाँ खाली सेंट्रल लगाता था वहाँ भी स्टेट भी लगा रहा है तो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड राइट टुडे वी आर गोइंग टू डील विद मोर विल कवर मोर एस्पेक्ट्स राइट सो लास्ट क्लास मैंने आपको टाइप्स ऑफ GST बताया था एक ट्रांजेक्शन पे CGST SGST लगता है अगर वो इंट्रा स्टेट है और अगर विद इन यूनियन टेरिटरीज है जिसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं है यूनियन टेरिटरीज का देन इट इज CGST प्लस UT GST एंड अगर वो इंटर स्टेट है ऑफ सप्लाई सप्लाई मीन्स ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ देन इट इज IGST राइट ओके So these things we have discussed. Now, classification of goods and services, HSN बोलते हैं हम लोग, HSN code बोलते हैं, right? So harmonious system of nomenclature, goods को classify करने में it helps. It is similar to customs में also we have goods का classification, right? Are quite similar to custom tariff act में जो first schedule and second schedule है, right? उसके basis पे यहाँ पर भी एक harmonious system of nomenclature follow होता है. जैसे एक मेन हेडिंग हो गया उसके अंदर में सब हेडिंग हो गया उसके अंदर में डिफरेंट ग्रुप्स हो गया इस तरीके से कोडिंग रहता है तो इट इज़ लाइक दिस 996611 तो इट ऐसा होगा चैप्टर 99 हेडिंग 6 सब हेडिंग 6 11 पॉइंट समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट तो इस टाइप का कोडिंग सिस्टम फॉलो होता है तो आपका HSN कोड रहता है राइट वैसे ही सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज का भी डिराइव किया गया है इट इनटू वेरियस सेक्शंस हेडिंग्स एंड ग्रुप्स राइट तो सर्विसेज का भी बहुत सारा कोड होता है ओके नाउ इट्स अ कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको खाली ध्यान रखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है अगर आप दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होती है एक होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जिसमें यू पे GST क्लेम इनपुट टैक्स ऑफ GST और एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम जहाँ पे आप खाली GST पे करते बट यू आर नॉट अलाउड टू टेक क्रेडिट ऑफ GST पेड राइट तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेस राइट दोज जिनका टर्नओवर से लेस देन 75 लाख है जस्ट फॉर आई एम एग्जाम्पल आई एम सींग जिनका टर्न ओवर लेस देन 75 लाख है सो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉम्पोजिशन स्कीम जहाँ पे दे कैन पे अ स्मॉल राइट पर्सन हु ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम pays a small percentage of GST on turnover. राइट नाउ सपोज ए ऑफ वेस्ट बंगाल बी ऑफ वेस्ट बंगाल को सप्लाई किया है राइट सो इसका सेलिंग प्राइस 1000 है तो यहाँ पे CGST लगेगा और SGST लगेगा 90 90
1180, ठीक है. नाउ इसका ये स्मॉल बिजनेसमैन है, ही हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिट स्कीम. ये कॉम्पोजिशन स्कीम में गया है, तो ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन इसने नहीं कराया है, ये कॉम्पोजिट डीलर है. तो जो भी बंदा कॉम्पोजिट होता है राइट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. कहने का मतलब है इसका परचेज प्राइस 1180 माना जाएगा. अगर ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराया होता तो इसका परचेज प्राइस 1000 होता, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट सेशन राइट. एंड जो भी इसका आउटपुट टैक्स पेबल आता उससे ये इसको सेट ऑफ करवा लेता. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका परचेज प्राइस इतना माना जाएगा, प्लस सपोज वैल्यू एडिशन से राउंड अबाउट 320 का वैल्यू एडिशन किया गया है, 1500 इसका सेलिंग प्राइस है. नाउ दिस पर्सन विल नॉट चार्ज GST फ्रॉम द कस्टमर्स. कॉम्पोजिट डीलर्स कैन नॉट चार्ज GST फ्रॉम द कस्टमर्स. यस, ही विल हैव टू बियर. पहला बात तो इसका इसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ये इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, AS2. नो ITC मीन्स टेकन एज कॉस्ट, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज आपका कॉस्ट मान लिया जाएगा. फर्दर आपका सेलिंग प्राइस है, यू कैन नॉट चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर राइट. आप कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते. देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, सिंपल, टोटल योर टर्नओवर पे से 2% ऑन 1500. पे 2% ऑन 1500, तो CGST हो गया 1% ऑन 1500 और SGST हो गया 1% ऑन अनदर 1500. तो ये आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, दैट इज 15 15. सो कॉम्पोजिशन स्कीम में द पर्सन हु इज अ कॉम्पोजिट डीलर कैन नॉट टेक GST फ्रॉम द कस्टमर्स, पहला बात, और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. तो सिंस ही इज अ स्मॉल बिजनेसमैन राइट, सिंस ही इज अ स्मॉल बिजनेसमैन, तो इसको क्या बोला जाता है कि आप अपना टर्नओवर का स्मॉल परसेंटेज यू पे टू द गवर्नमेंट. जैसे इफ यू टेक केसेस ऑफ आर्स, सिंपल मैं आपको बताता हूं, हमारा टर्नओवर है 30 लाख, ठीक है. इफ आई गो अंडर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, देन हमारा सेलिंग प्राइस है 30 लाख, CGST, SGST. तो 9% करेंगे तो 2.7 35.4 राइट. तो अगर हम आपसे पर स्टूडेंट वाइज अगर मैं देखूं, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से 3000 रुपया ले रहा हूं, तो उससे मेरे को 270 CGST लेना पड़ेगा और 270 का SGST लेना पड़ेगा, 3540, ठीक है. इज दैट फाइन? हाँ,
और ये मेरा टोटल टर्नओवर है अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, ठीक है। वी डोंट चार्ज जीएसटी फ्रॉम यू बिकॉज वी आर नॉट अंडर नॉर्मल, वी आर अंडर कॉम्पोजिट स्कीम। कॉम्पोजिट स्कीम में क्या होता है, हमारा टर्नओवर 30 लाख है, राइट। हम लोग आपसे कुछ नहीं लेते हैं, वी पे 6% ऑफ 30 लाख फ्रॉम आवर पॉकेट टू गवर्नमेंट। सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, सीजीएसटी देते हैं 3% ऑफ 30 लाख और एसजीएसटी देते हैं 3% ऑफ 30 लाख, दैट इज 0.90 लाख, 0.90 लाख आपसे नहीं चार्ज कर सकते हम। तो इन दैट केस योर फीस इज 3000। Either I can go for normal registration. No, because I haven't opted for normal registration. And this is only, this scheme is only available to small service providers, not all. Jinka turnover is less than 75 lakh. I'll talk about the limits later on. To abhi tum log dekho, agar hum student ko bolenge tumko 3000 fees bhi dena aur 540 GST dena, koi padhne nahi aayega. क्योंकि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो गया और कंज्यूमर इज द फाइनल बियरर ऑफ द टैक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, द बिल विच वी प्रोवाइड यू, इन दैट वी डोंट चार्ज, सीधा वी टेक 3000 फ्रॉम यू। एंड जो भी हमारा क्वार्टर में पूरा क्वार्टरली पेमेंट होता है, जो भी हमारा क्वार्टर का टर्नओवर का टोटल होता है, उसका 6% हम लोग अपना पॉकेट से बियर करते हैं। This part we pay from our pocket, profit, business pay from profits. Because we know that the market is very competitive, no one is going to pay us more than 3000. 3000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा हम लोगों को। अरे दैट इज तो गुड्स के केस में आई हैव एक्सप्लेन, दिस इज सर्विस के केस में। सर्विस तो वी डोंट परचेज एनीथिंग ना, वी डायरेक्टली प्रोवाइड सर्विस। इफ एनीथिंग आई वुड हैव परचेस्ड एंड एडेड माय प्रॉफिट, देन तो दैट एनीवे इन कंपोजिट स्कीम दैट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ इनपुट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विल बी एडेड, सेम एज गुड्स केस। Which one? हाँ, 1990 तो he paid at the time of purchase, so anyway he is bearing as well as this 2%. So neither I am going to get the credit, nor I can charge from customer. मेरे को credit भी नहीं मिला और मैं चार्ज भी नहीं कर सकता कस्टमर को। यस, इट इज बेनिफिशियल अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव रखना है। इफ आई नाउ स्टार्ट टेलिंग यू कि ऑन 3000 यू हैव टू पे 18% जीएसटी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन विल कम डाउन। एंड एनीवे व्हेन माय टर्नओवर विल इंक्रीज बियॉन्ड 75 लाख, आई हैव टू गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। इन दैट केस आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, because in this digital economy we don't accept cash. So composition scheme mein aap input tax credit bhi nahi le sakte, to aapka automatically cost ban jata hai. Further jo aapka total ye hai,
सेलिंग प्राइस आप कस्टमर से भी चार्ज नहीं कर सकते, सो यू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट. ये 30 जो आप दे रहे हैं ना, दिस इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स यू हैव टू पे. एंड हमारे केस में हम देखा कि हमको अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में हम जाते हैं, देन दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. वी हैव टू टेक फ्रॉम कस्टमर 540 एक्स्ट्रा, विच मेक्स आवर प्राइस वेरी हाई इन द मार्केट, राइट? बिकॉज देर आर प्लेयर्स इन द मार्केट जिनका टर्नओवर 10 लाख को भी क्रॉस नहीं करता है, तो दे आर नॉट एट ऑल सपोज टू गेट रजिस्टर्ड. उनका तो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी नहीं आता है, राइट? सो द थिंग इज लाइक दिस, दिस इज जीरो अप टू अ सर्टेन लिमिट. दैट लिमिट आई एम गोइंग टू टेल यू, नो जीएसटी, यू आर नॉट सपोज टू गेट रजिस्टर्ड. एंड फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन आइदर गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट यू हैव टू गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन. अप टू सर्टेन लिमिट नॉट सपोज टू गेट रजिस्टर्ड, नीदर नॉर्मल नॉर कॉम्पोजिट. इफ इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन. स्मॉल businessman, small service providers, is that fine? So in our case we are bearing GST from our pocket because we have opted for composition scheme. Further, there is an ease of maintaining accounts as well. Getting my point? Simply at the quarter end we just total our bank statement, on that we pay 6%, right? बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपरेशन, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हाउसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपरेशन अगेन इट बिकम्स एन कॉस्टली अफेयर फॉर देम, राइट? तो वी तो जस्ट कैलकुलेटेड लाइक दैट, 30 लाख पे वी आर ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम, 6% हमको देना है, सो इन आवर केस इट इज कमिंग टू 1,80,000. तो हम लोग तो ये सोचता है भैया हमको एक अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा, उसको महीना का 15,000 देंगे, तो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. सो कॉम्पोजिशन स्कीम में याद रखना, द ड्रॉबैक इज यू कैनॉट गेट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, neither you can charge. So basically, as one of the student asked, so sir, हम तो यहाँ 18% भी दे दिया and फिर ये 2% भी हम अपना pocket से दे रहे हैं. Can't help it. इसीलिए this percentage is very small. ठीक है, let us move ahead. Okay, so this is about composition scheme. Now let us talk about the registration. Right? Now it is very clear that you need to get registered. I've already told you, up to a certain point, when your turnover does not exceed a certain limit,
you are not supposed to get registered, but after that you need to get registered either as composite or as normal registration, and beyond a certain point you have to get as normal registration. You cannot go for composite scheme because this composite scheme is available only to small service providers. It is a relief provided by the government, right? Anyway, government ko bhi to nuksan hai na. पहले अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में होता, डिस्पाइट द फैक्ट हु इज पेइंग, गवर्नमेंट को तो पैसा से मतलब है. हियर आई कैन चार्ज माई कस्टमर, हियर आई कैन नॉट चार्ज माई कस्टमर. इफ यू सी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है. तो गवर्नमेंट भी तो ये देख रहा है ना, अगर पटवारी जी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में होते तो ही वॉज सपोज टू पे मी 5.4 लाख, बट सिंस पटवारी इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिट स्कीम सो ही इज पेइंग मी ओनली 1.8 लाख. सो एनी वे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू का लॉस हो ही रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, कोई भी टैक्स दे, कंज्यूमर दे चाहे डीलर दे, उसे क्या फर्क पड़ता है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम खाली स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए ही रेस्ट्रिक्ट किया है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन पार्ट विच इज वेरी सिंपल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट? That limit I'll explain you, and it varies from state to state, right? Further, you need to get yourself registered where you are actually located, right? You need to get your registration done in the state or union territory from where he makes the taxable supply. Okay. Now, ये जो threshold limit है, if I'm engaged only in goods, या only in service or both. उस हिसाब से और स्टेट वाइज ये थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पे डिजाइन किया गया है. इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा द लिमिट इज 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस. इफ आई एम एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख. सप्लाई ऑफ सर्विस, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख. इफ इट इज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, देन द लिमिट इज 20 लाख. यस, अब यहां से अप टू 75 लाख टर्नओवर हम बात करेंगे. लिमिट दैट आई विल टेल यू अप टू व्हाट पॉइंट यू कैन अवेल कॉम्पोजिट स्कीम. बीच में और है, जरूरी नहीं आपको कॉम्पोजिट में ही जाना पड़ेगा. इफ द टर्नओवर इज 40-50 लाख, आई कैन चूज आइदर ऑफ द वे. ओके, नाउ फॉर अदर स्टेट्स, फॉर दीज स्टेट्स द लिमिट इज कॉमन फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, 10 लाख एंड 20 लाख. फॉर JNK, आसाम, HP एंड ऑल अदर स्टेट्स, फॉर सर्विसेज इट इज 20 लाख. Right, and for goods it is 40 lakh. If I am in supply of service, then it is 20 lakh. If I am in supply of goods, then it is 40 lakh. But provided I am making only intrastate sale, I am not making interstate. If I am making interstate, then automatically the limit comes 20 lakh. If I am making only intra. Suppose if I talk about West Bengal, West Bengal में एक dealer है जो खाली West Bengal के ही customers को बेचता है, right? So he is doing only intra supply. तो intra supply के लिए the limit is 40. Okay, these things will again come since we are just dealing with the introduction part. Okay, now some essential goods or services have been kept outside the purview of GST, right? So those exemptions also we will talk about later. Now
Now, seamless flow of credit. If I adopt GST, then despite the fact whether it is services, goods, inter, I'm going to get the credit. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को जन यू पे SGST तो ITC ऑफ SGST मिलेगा. व्हेन यू आर पेइंग SGST यू कैन नॉट गेट क्रेडिट ऑफ CGST एंड वाइस वर्सा, राइट. फर्दर GST हमेशा कंजम्पशन वाले स्टेट को जाता है. इट ऑलवेज अक्रूज, इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा जहां पे गुड्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड, राइट. वी आर गोइंग टू डील विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, राइट. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे. ओडिशा के पास जाएगा. अच्छा, बंगाल टू उड़ीसा हुआ तो IGST लगेगा, दैट्स इंटर ना. सो दैट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे, राइट. ध्यान से देखिएगा. पहला बात आप लोग नोट करिए कॉपी में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ टीचिंग बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी लेमैन टू स्टडी दिस बिग PDFs एंड ई मटेरियल्स एवरी टाइम. सो वॉट एवर इज द क्रूशियल पॉइंट दैट आर वी गोइंग टू जस्ट नोट, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. दिस इज पॉइंट नंबर वन. Revenue of SGST comes to the consuming state, point number two. ठीक है. If I am making suppose मैं वेस्ट बंगाल में हूं और मैंने उड़ीसा में माल बेचा है, so this is interstate, I am going to charge IGST. Now I have already told you that it's a summation of, you don't show it separately out here, it's a summation of CGST and SGST and you have to pay it to central government. ठीक है, you have to pay to the सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ व्हेन आई एम चार्जिंग IGST, अच्छा मैं बंगाल में हूं, आई एम ए, आई परचेज फ्रॉम एक्स ऑफ बंगाल, सो एक्स ऑफ बंगाल को मैंने क्या दिया है, CGST दिया है, SGST पे किया हुआ है, तो क्या मेरे को इसका क्रेडिट IGST से मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा. यस. तो सर पहले किसका मिलेगा? CGST का, बिकॉज IGST इज अ सेंट्रल अफेयर. IGST इज अ सेंट्रल अफेयर, तो सेंट्रल पहले अपना टैक्स सेट ऑफ करवाएगा, उसके बाद में स्टेट वाला सेट ऑफ होगा. Right? A has sold goods to Odisha. So
तो ही इज गोइंग टू चार्ज IGST, राइट? IGST में कोई CGST SGST का ब्रेकअप नहीं होता, डायरेक्ट 18%, एंड इट्स अ सेंट्रल एक्ट, राइट? लेकिन ए जब एक्स से खरीदा विद इन बंगाल, सो दिस इज इंट्रा, तो इंट्रा में तो जीएसटी लगता है, CGST SGST, तो क्या मेरे को इसका ITC मिलेगा? ITC आंसर इज यस. पहले कौन सा? पहले सेंट्रल वाला माइनस होगा, उसके बाद स्टेट वाला माइनस होगा. ठीक है, इज दैट फाइन? नो, इट इज नॉट हिज अफेयर. नहीं, IGST का स्टेट को कुछ नहीं मिलता है. कैसे लॉस हुआ? हाँ, तो नहीं मिलेगा उसको, कंजम्पशन वाले स्टेट को जाएगा. राइट? तो देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, इफ आई एम मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, आई कैन सेट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट IGST. द मोमेंट आई एम मेकिंग इंटर स्टेट, तो आई विल चार्ज IGST. और मेरा परचेस करते वक्त मैंने CGST SGST दिया है, तो उसका सेट ऑफ मेरे को मिल जाएगा. बट ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन एक्सप्लेन्ड बिलो, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. पहले IGST के साथ ITC ऑफ CGST मिलेगा, एंड देन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST मिलेगा. ठीक है, नाउ दिस उड़ीसा डीलर सेल्स टू पी ऑफ उड़ीसा. ये उड़ीसा वाले ने पी ऑफ उड़ीसा को बेचा है, तो इसके लिए तो इंट्रा हो गया, है ना? फॉर हिम दिस इज इंट्रा. सो ही इज गोइंग टू चार्ज हिज कस्टमर CGST एंड SGST. ही परचेज फ्रॉम ए ऑफ बंगाल पेइंग IGST. कैन ITC ऑफ IGST अवेलेबल? आंसर इज यस. आंसर इज यस. अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? जस्ट टेल मी द प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम क्या है? 110% प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है सुनो, ये वाला टैक्स कौन से गवर्नमेंट को गया? सेंट्रल एंड स्टेट. इट मींस विच स्टेट? WB. हाँ, WB को गया. ओके, ए जब IGST पे करने का बात आया, राइट, तो ए क्या किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो उसने SGST दिया था उसका सेट ऑफ ले लिया.
Yes or no? तो who is at loss? Central. Central का साथ, central को जो payable था उससे आपने जो state को pay किया उससे set off करा दिया, right? Coming to Odisha, ये वाला tax कौन से government को जाना चाहिए? उड़ीसा गवर्नमेंट को, वही सेंट्रल एंड स्टेट जो भी, बेसिकली विच गवर्नमेंट? उड़ीसा गवर्नमेंट. बट मोमेंट आई एम क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी तो उड़ीसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया. इफ समथिंग इज पेबल टू उड़ीसा गवर्नमेंट एंड यू आर टेकिंग सेट ऑफ ऑफ अमाउंट पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो माई रेवेन्यू गॉट लॉस. तो और यहां पे डब्ल्यू बी गवर्नमेंट को बेनिफिट हो गया, जो भी उसको सेंट्रल को देना था उससे वो स्टेट वाला सेट ऑफ करवा लिया. तो जब इस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, यहां पे इस गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चला गया, इस गवर्नमेंट को कम टैक्स चला गया, राइट? तो यहां पर एक रूल बनाया गया है, जितना सेट ऑफ आपने किया है एस जी एस टी का आई जी एस टी के साथ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए बोल रहा है, ए को बोल रहा है, फ्रॉम योर आई जी एस टी पेबल यू हैव सेट ऑफ एस जी एस टी, दैट अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा बट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बात हो रहा है. अब डीलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट आप असली में बात कर रहा है. कस्टमर एंड डीलर्स हैव नो प्रॉब्लम, दे आर गेटिंग सेट ऑफ फाइन एनफ. आईजीएसटी के साथ में यू गेट सेट ऑफ ऑफ अमाउंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम अमाउंट पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट यू कैन गेट इनपुट ऑफ आईजीएसटी, नो प्रॉब्लम. आईजीएसटी के साथ में आप सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ कर रहे हैं और सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में आप आईजीएसटी सेट ऑफ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डीलर को कहीं पर भी कोई लॉस नहीं है मेकिंग इंट्रा सप्लाई और इंटर सप्लाई, क्योंकि अगर डीलर को लॉस होने लगेगा तब डीलर क्या करेगा, ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा. इंटर वाला जैसे पहले पहले सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जो मैं लास्ट क्लास आपको समझा रहा था, दैट वाज नॉन वेटेबल. सीएसटी वाज नॉन वेटेबल, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था. तो वो सब चीज को तो ओवरकम करने के लिए आपने ये लाया है, बट डीलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीलर को इजिली सेट ऑफ मिल रहा है. नाउ द गवर्नमेंट आपस में बात कर रहे हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट इज सेइंग मेरे को क्या मिला, व्हाटएवर वाज पेबल टू मी दैट हैज बीन सेट ऑफ ऑफ आईजीएसटी एंड दैट आईजीएसटी डिड नॉट कम टू मी एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. तो एक्चुअल में टैक्स किसको मिलना चाहिए, उड़ीसा गवर्नमेंट को. तो जितना सेट ऑफ एसजीएसटी का आईजीएसटी पे करते वक्त हुआ है उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डब्ल्यूबी गवर्नमेंट देगा. ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बात हो रहा है, डीलर का नहीं है. डीलर को तो जो करना था सेट ऑफ करके वो दे दिया. तो डब्ल्यूबी गवर्नमेंट विल पे सेंट्रल गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ सेट ऑफ ही हैज डन ऑफ एस जी एस टी, नॉट सी जी एस टी, क्योंकि सी जी एस टी तो वैसे भी सेंट्रल का ही है. द अमाउंट ऑफ सेट ऑफ ऑफ एस जी एस टी दैट ही हैज डन विथ आई जी एस टी पेएबल, दैट अमाउंट ही इज गोइंग टू पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू उड़ीसा गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ आई जी एस टी सेट ऑफ विथ एस जी एस टी. राइट? तो यहां पे देखिए पूरा बात अच्छे से लिखा है. पहले लिखा है आई जी एस टी के साथ में आप सी जी एस टी एस जी एस टी सेट ऑफ कर लीजिए. ये पैराग्राफ डब्ल्यू बी गवर्नमेंट के लिए बोला है. दिस इज डब्ल्यू बी गवर्नमेंट. ये वाला बात बोला है ओडिशा वाला का, that buyer in the importing state is allowed to get credit of IGST
लेकिन प्रॉब्लम अब गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, एक गवर्नमेंट बेनिफिट हो जा रहा है, दूसरा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, एंड जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो एक्चुअल में पूरे ट्रांजैक्शन में टैक्स ओडिशा गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये पूरा चर्चा किया जा रहा है। ध्यान से देखो, पढ़ो। अनलाइक द अर्लियर सिनेरियो वेयर द क्रेडिट चेन यूज टू ब्रेक इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी, जो मैंने कल आपको दिखाया, और अंडर जीएसटी यू आर टेलिंग इट सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो उसका ये चीज किया गया है कि सेट ऑफ किसी के साथ किसी का दे दो, फिर गवर्नमेंट आपस में अपना हिसाब सल्टा लेगा। फर्दर, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो जो भी रेवेन्यू आएगा इट शुड नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर्स टू द सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूज्ड इन मेकिंग आईजीएसटी पेमेंट। तो जब आपने ये एसजीएसटी का सेट ऑफ आईजीएसटी से किया, तो डब्ल्यूबी गवर्नमेंट विल पे टू द सेंटर, राइट? द सेंटर ट्रांसफर्स टू द इंपोर्टिंग स्टेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। अब आप यहां पे आईजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उड़ीसा गवर्नमेंट विल गेट लेस, द डीलर हैज क्लेम द क्रेडिट। तो जितना आप क्रेडिट ले रहे हैं आईजीएसटी का एसजीएसटी से, उतना सेंट्रल विल गिव टू द ओडिशा गवर्नमेंट। क्लियर? ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन बताया हुआ है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? पूरा क्लियर कट है एकदम। नहीं, वो तो खाली ऐसे समझाने के लिए बता रहा है तुमको। तो ये जो पैराग्राफ है, दिस आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, नंबर्स के साथ में। अभी तो जस्ट मैंने खाली आपको थ्योरी समझाया है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट? ये जो रीइंबर्समेंट वाला बात हो रहा है ना, डब्ल्यूबी गवर्नमेंट जो सेंटर को देगा और सेंटर फिर उड़ीसा को देगा, ये आपका पार्ट नहीं है। आपको बस खाली ये फॉलो करना है कि मेरे को सेट ऑफ मिल रहा है। तो पहले हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई का देखेंगे, जो हम लोग कल किया था, फिर हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई का देखेंगे, राइट? तो लिख लो, हाउ टू गेट क्रेडिट इन केस ऑफ इंटर, सॉरी, इन केस ऑफ इंट्रा, सॉरी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इंट्रा, हाउ टू गेट क्रेडिट इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, आइए। A sold to B. This is also West Bengal. This is also West Bengal. Selling price 10,000. CGST lagega. SGST lagega. 9%, 9%. The amount charged on B for GST will be
paid to the credit of respective government. So this will go to state government, sorry, this will go to central government and this will go to state government. ठीक है, नाउ बी सोल्ड टू सी, ही इज ऑल्सो बंगाल में, ही इज ऑल्सो बंगाल में, दिस इज ऑल्सो इंट्रा, सो माई परचेज वैल्यू इज 10,000 बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो मेरा कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, 20% का वैल्यू एडिशन है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 12,000 प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी, कितना आ रहा है, 9% 9% करेंगे तो 1080 1080 141 हाँ अभी तो, अरे हम आई एम डूइंग फॉर बी ना, बिकॉज आई हैव सोल्ड, अब सी तो कंज्यूमर हो गया, तो अल्टीमेटली दिस इज बॉर्न बाय कंज्यूमर, नाउ बी क्या करेगा, अमाउंट पेबल बाय बी सी जी एस टी एस जी एस टी, दोनों का आउटपुट टैक्स कितना है, 1080 I have collected, 1080 I have collected, right? Less ITC. So CGST I paid at the time of purchase 900. Right? And SGST I paid 900. So 180 and 180. This I will deposit to credit of which government? Central government. And this I will deposit at the credit of state government. And this is the final amount borne by C. C kaun hai? कंज्यूमर, ठीक है, अगर अभी हम अपने रेवेन्यू चार्ट बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का अमाउंट पेड बाय ए, ए पेड 900 टू ईच ऑफ देम, अमाउंट पेड बाय बी, बी आफ्टर टेकिंग क्रेडिट this is cost to consumer.
I guess this is absolutely fine with all of you. हिल नहीं जाए देख के, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है. सो नाउ ए सोल्ड टू बी, दोनों बंगाल में है, तो वेरी सिंपल. सेलिंग प्राइस 10, सीजीएसटी 900, SGST 900. This pay to central government, pay to WB government. ठीक है. बी सोल टू सी, डब्ल्यू बी ओरिसा. तो मेरे को तो क्रेडिट मिलेगा, भले ही किसी का भी क्रेडिट सी मिले, जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी से सेटअप हो जाता है, और आईजीएसटी का सेटअप सीजीएसटी एसजीएसटी से हो जाता है, बस खाली गवर्नमेंट आपस में लेन देन कर लेता है. तो मेरे लिए परचेज 10,000 माना जाएगा. वैल्यू एडिशन हैव डन 20%, 12,000 सेलिंग प्राइस. Now I will charge IGST 18%. Right now.
IGST payable to central government. तो IGST payable है कितना 2160. ऑर्डर मैंने बता दिया था. आई एम डूइंग इट फॉर बी. बी ने ऑलरेडी सी जी एस टी दे रखा है 900 और आई एस जी एस टी दे रखा है 900. तो आई जी एस टी से पहले सी जी एस टी का आई टी सी मिलेगा लेस. आई टी सी ऑफ सी जी एस टी जो भी. सो 360 आई विल पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था 2160 2160. आईजीएसटी इज पेबल टू सेंट्रल और इनपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी इज ऑलरेडी पेड टू सेंट्रल. तो सेंट्रल का सेट ऑफ हम सेंट्रल से ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सेंट्रल को जो देना है उससे हम स्टेट को दे दिया, उसका सेट ऑफ ले लिया हम. So this is paid to central, right? Yes or no? So WB government, ये तो client का हो गया. Client central government को 360 दे देगा. Now WB government will transfer rupees 360 to central government for ITC of SGST used in payment of IGST. Sorry, we'll transfer 900. 360 to net tha. My mistake, it will be 900. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो भी आपने दिया था उसका सेट ऑफ आपने आईजीएसटी से लिया है. Right? Because GST is a consumption-based tax. Dealer को कोई problem नहीं है. Since I have made interstate, I am charging IGST, not a problem. And I am getting credit as well. Of tax paid to central as well as both state, but now it is between the governments. So WB government will transfer 900 to central government for credit of SGST used in payment of IGST. Is that fine? Now. Coming to C of C sold to P. Now both in Odisha. So again I am going to, I made interstate purchase. So I paid IGST, uska credit mereko CGST as matlab mil jayega. So again my selling price is, sorry. My purchase price will be excluding tax because I am going to get credit of that plus 20%. $14,400
Now this is intrastate, right? So now it will be CGST. SGST. 9%, 9%. So this is consumer, right? He is consumer. P. So selling price including GST. $16,992. Done. Now, CGST, I have to pay CGST as well as SGST. Output, CGST, I have to pay this, I have to pay this. Now I am going to get ITC of IGST. So IGST I have paid 2160. See, B, C has paid 2160 to B, right? So IGST ka credit pehle pura CGST se mil jayega because central affair. Abhi 2160 mein bacha kitna? 864 का क्रेडिट यहां से मिलेगा. तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम सेंट्रल को कुछ भी नहीं देंगे. $432. अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ना. हाँ, क्योंकि 864 आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया एसजीएसटी से. अच्छा, डब्ल्यूबी गवर्नमेंट ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना वो इनपुट क्लेम किया था आईजीएसटी के साथ उतना वो पे कर चुका है. उसका गवर्नमेंट का हिसाब वहां पे हो चुका है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे रुपीज 864 टू ओरिसा गवर्नमेंट फॉर क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ एसजीएसटी बिकॉज कंजम्पशन बेस्ड है. वहां पे डब्ल्यू भी यूज कर लिया था आईजीएसटी को और यहां पे गवर्नमेंट का दिया हुआ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का कम हो जा रहा है. यस, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू. डीलर का कोई फर्क नहीं है. डीलर तो भैया सिंपल है, डीलर तो सिंपल है. गवर्नमेंट आपस में हिसाब करेगा. यू विल बी सरप्राइज टू नो इफ आई एम मेकिंग फ्रॉम बंगाल, इफ आई एम मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर राइट, इफ आई एम मेकिंग इंटर स्टेट फ्रॉम बंगाल, दिस गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनीथिंग. उसको कुछ मिला ही नहीं ना. अभी मैं आपको दिखा रहा हूं.
revenue chart. Central government, WB government, Odisha government. Initially, A paid 900 to central, 900 to WB. Paid by B. B paid full 360 because it was IGST. Transfer. WB transferred 900. Because he used against IGST to central. Paid by C. C has paid nothing because IGST used in making payment of CGST and it was 432 to Odisha government. Now there will be transfer of 864 from here and 864 it will come here. So out here it is nil, 900 plus 360 plus 900 minus 864, 1296, 1296, cost to consumer. Nothing. That is why there was a lot of political barriers at the time of implementation of GST. Earlier it was like from where the movement of goods is commencing in case of central sales tax. The purchase percentage being it was 4%, then dhire dhire we tried to abolish. GST was about to abolish, so the percentage came down. From 3 to 1. So ultimately the revenue from interstate was going to state. Power was with the central, but revenue collection was with the state from where the movement of goods is commencing. Now GST to pura change ho gaya na. It's a consumption based tax. So things have changed drastically. Aisa nahi hai ki you only lose. You import as well. You export as well. Local sales, locally manufacture karke locally bech do. Entire revenue comes to the. But dealer ko koi problem nahi hai. Dealer is very happy. And consumer, finally, government ke ghar mein 1296, 1296. So, isliye bolte seamless flow of credit without any barriers. Right? Okay. Now, GST has a common portal, www.gst.gov.in, right? For us,
also this is the portal. For government also, this is also the portal. Whether it be central government, state government, everyone, clearly one common portal. Previously, it was like excise ka alag hai website, service tax alag, sales tax alag, but now it's a common portal, right? Pehle different laws tha, different regulations, different procedure, different formats, different IT infrastructure, and किसी का कोई लिंकेज नहीं था, राइट? तो एंटायर इनडायरेक्ट कोड को इसमें डालना, राइट? तो काफी सारा प्रॉब्लम्स आया. तो और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो अभी हम लोग एक्सप्लेन किया, ये जो डब्ल्यू बी सेंटर को दे रहा है, सेंटर फिर ओडिशा को दे रहा है. तो इसके लिए अपने को एक कॉमन पोर्टल चाहिए था. तो gst.gov.in, इट इज मैनेज्ड बाय GSTN, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, एंड इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट? फॉर द टैक्स पेयर्स एज वेल, फॉर द शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट? So this portal, you can easily access it from internet, and in case of land connection, tax officials can access, jo office mein jo log baithte hain. Automatically jab aap returns wagera submit karte hain, तो वो सब अकॉर्डिंगली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में चला जाता है, राइट? बहुत अच्छा चीज है ये. वेरियस MIS रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इजीली, कॉमन पोर्टल. जब ये मैंने जो रेवेन्यू चार्ट बनाया, ये इजीली वहां बन जाता है. और ई वे बिल बनाने के लिए अलग से एक साइट है जो गुड्स का मूवमेंट होता है. नाउ GST सुविधा प्रोवाइडर्स, दे हेल्प यू, right? And it's an intermediary who helps you with interacting with GSTN, right? Ki mera ye credit nahi show ho raha hai, all these things you can ask. A compensation cess bhi hai, right? Generally jo luxurious items hote hain, hazardous hote hain, pan masala jo disease ke respect mein hote hain. लॉस ऑफ रेवेन्यू, बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हुआ है GST आने से, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है, राइट? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, इस सेस से उनका कॉम्पेंसेशन दूर करने के लिए गवर्नमेंट इन सब आइटम्स पे लगाती है. यस, GST सारे गुड्स पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज पे. तो ये सब चीज पे आज भी जो रेस्पेक्टिव पहले इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस थे वो एप्लीकेबल है. जैसे लीकर्स वगैरह पे स्टेट का भी एक्साइज ड्यूटी होता था, राइट? सो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST. इस पे अभी भी हमारा स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, राइट? इसीलिए इन दिस पैंडेमिक लॉकडाउन के केस में तुम लोग देखा होगा कि वाई द गवर्नमेंट वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अप द लीकर शॉप्स एंड ऑल, बिकॉज दैट रेवेन्यू वॉज कमिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, और अगर इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ तो उस पर अकॉर्डिंगली CST एंड VAT लगेगा. पेट्रोलियम क्रूड वगैरह भी दे आर नॉट अंडर द लेवाइबल ऑफ GST, राइट? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी इन आइटम्स पे लगता है, एंड जैसे नॉर्मल CST VAT वगैरह है. टोबैको बीइंग एन आइटम जिसपे GST भी लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, राइट?
Narcotic drugs, they are within the purview of GST. However, state governments have also retained the power to levy excise duty. तो अभी इसमें जीएसटी भी लग रहा है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है. रियल एस्टेट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस जीएसटी. बहुत सारे टैक्सेस को सबसम किया गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इंटीग्रेट किया गया है. दैट इज सर्विस प्रोवाइडिंग में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा वो, राइट. तो इतने सारे टैक्सेस को सबसम करके जीएसटी बनाया गया है. We'll share this with all of you, not a problem. ये पहले का structure था, multiple taxes, multiple administration, multiple websites, अभी सब uniform हो गया है. Right? So that's it for today. In the next session, we will start, again, they have discussed the benefits of GST that I've already explained you. So from questions point of view, we can just go through with these things, right? So in the next session, we are going to start with supply. What do you mean supply? Supply means supply of goods, services or both. कौन कौन से supply taxable event माने जाएंगे? कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें consideration नहीं भी होता है, तो क्या वो taxable supply में आएंगे? कुछ कुछ ऐसा है जो पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया है, सप्लाई का डेफिनेशन में नहीं आता है. सप्लाई का मीनिंग क्या है, राइट? तो काफी सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, राइट. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.